लोग नजरअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। खूबियां देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे, जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने एक हीरा गवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा, और वो व्यक्ति है स्वयं आप। जब मन दुखी हो तो अपने मन से पूछना कितना और कब दुखी होना है। मन कहेगा लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वो शायद कभी ना हो क्योंकि उन्हें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं अपनी सोच से है, सोच बदलिए दुख खत्म हो जाएगा। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वो वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते हैं। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। शब्द सोच दुनिया बढ़ा देते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। अतीत पर मत रो, वो जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी तक आया नहीं। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। हमेशा शांत रहो, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, और गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये सात गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से ही व्यक्ति मजबूत बन पाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें सम्मान देता है, हमें आराम देता है। अगर सम्मान के साथ सम्मान भी कमाना है, खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते भी बनाने हैं, तो धन से ज्यादा दुआएं कमानी होगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं कि दुआ कमाते हैं, और जो दुआ कमाते हैं वह क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। चोरी, चुगली और झूठ, ये तीन बातें इंसान के चरित्र को बर्बाद करती है। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को निरपेक्ष करना पड़ेगा, अपने सारे नकाब उतारने पड़ेंगे, अपनी सारी मान्यताएं धारणाएं छोड़नी पड़ेगी, तभी सच जानने के योग्य बन पाओगे। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वह तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे की मन की भूमि में नहीं गिर सकता। बीज जो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम ही भोगोगे। हकीकत में भगवान तो हर इंसान के अंदर है। खुद में उतर कर देख कितना आनंद मंजर है। कुछ खोने वाले हैं, कुछ पाने की कद्र करते हैं। जब सुखी हो तो कृष्णा को मत भूलना, और जब दुखी हो तो कृष्णा पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, किसी की सोच परखनी हो तो उस पर विश्वास करो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे।
आप जिस पर ध्यान देंगे वो चीज सक्रिय हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया कि मुझे केवल कृष्ण चाहिए, बाकी सारे निर्णय कृष्ण ने कर दिए। आप भी केवल एक निर्णय करिए और वो चाहे जो भी हो कृष्णा को ही चुनिए और फिर सारे निर्णय कृष्णा पर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ की मीत है, बस उतना ही याद रखती है जितना उसका स्वार्थ चाहता है। ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा ही रहता है। हवा में सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। भरोसा अगर भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कोई अगर आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर भी किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। सलाह, साथ और समय, यह बिन मांगे देने पर अक्सर लोग इनका मूल्य सस्ता ही समझ लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। शांति प्रिय लोग आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो, कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य किसी का दिल ना दुखे, अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें मतलब ही मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। इत्तफाक कुछ नहीं होता, इस दुनिया में सबको पता है कि वो अगले दिन के साथ क्या कर रहे हैं। उन्हें हर बात की अच्छी खबर होती है कि वो अगले के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि पक्षी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने एक ही बात में तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। दुख में स्वयं की उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या सिकवा गिला करना। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा, याद रखो जिस दिन वो देने पर आएगा उस दिन संभाल नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीजें बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सांस हो या फिर संकल्प। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। सुख के लालच से ही नए दुखों का जन्म होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है जो लोग अपने होते हैं वो आपको कभी झुकने ही नहीं देते। काम बड़ा कीजिए मगर बर्ताव ऐसा कीजिए कि मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि यही होती है महान व्यक्ति की पहचान। जब भी अकेले हो जाओ, हिम्मत हार जाओ, रास्ता ना मिले, तब आप अपने मन के अंदर को देखो और कहो मैं हूं ना, कल से करेंगे। यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने को मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमारे साथ पर यकीन रखना। इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए।
सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करना चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों तेरा मेरा करते हो, एक दिन सब चला जाएगा, जो भी कमाया है यही रह जाएगा। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ वही तेरे जाएगा। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं हम हो। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है, कोशिश करना प्यार अच्छे सूरत से नहीं, एक दिल से हो। फिर आपको समझ आएगा कि जिंदगी में बस प्यार हो तो बाकी चीजें कम भी हो तो खास दिक्कत नहीं होती। लेकिन गलत इंसान से अगर आप प्यार कर बैठेंगे तो हर चीज होने के बावजूद आपका दम घुट रहा होगा। आप प्यार करके भी खुश नहीं रहोगे, फिर भी एक उम्मीद लगाए रहोगे कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। प्यार कभी गलत नहीं होता, हम इंसान ही गलत लोगों से प्यार कर लेते हैं। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा समय होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। बुरे लोगों से मिलो, तभी शायद समझोगे कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। तुम किसी के लिए लाख अच्छाई करके बुरे ही रहोगे, तुम सच होकर भी झूठे ही बनोगे। तब तुम समझोगे कि अच्छे लोग हर हाल में सच्चे ही होते हैं, और तब तुम शायद उनकी कद्र करना सीख जाओ। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान रोज देती है, लेकिन साथ नहीं देती। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। आज के जमाने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेब को भी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है, तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे, अपनी लगन धैर्य हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे अनेक विकट परिस्थितियों से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। ये एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू ही नहीं करेंगे तो। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो, आज कठिन है कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है, घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियाँ हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार किया वह लूट गया है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं, मानो कोई हमारा साथ दे रहा हो, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब ईश्वर आपका हाथ थाम ले।